हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा इंफोसिस का स्टॉक एनालिसिस, जिसको हम चेक करेंगे टेक्निकल पैरामीटर्स के थ्रू, जहां पे हम देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इंफोसिस के काउंटर के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आने वाले दिनों में अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो क्या अभी कर सकते हैं, या फिर आपको अभी वेट करना चाहिए, या फिर आप इसको टोटली अवॉइड कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए तो ये वीडियो टिल द एंड तक देखिए आप, जिसमें हम कवर करेंगे सबसे पहला मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे अगर आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर कोई भी पोजिशन क्रिएट करनी हो बाय या सेल की। एंड थर्ड हम देखेंगे मेरा खुद का व्यू स्टॉक के बारे में। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी ये हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा, इसमें कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसके अंदर कोई भी ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको एक सलाह ले सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम इंफोसिस का चार्ट एनालिसिस एंड लेट्स शेयर माय स्क्रीन। आई होप आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है और इस पर भी एनएसई का वेबसाइट दिख रहा है चार्ट, और वी कैन सी द गेनर एंड लूजर। तो गेनर्स में ऐसा कुछ खास है नहीं, आज के दिन में 2-3% का मूव दिख रहा है। बट इम्पोर्टेंटली हम देखें तो लूजर्स के अंदर जो इंफोसिस का काउंटर है करीबन वो 16% माइनस दिख रहा है इन अ सिंगल डे आज के दिन में। सो हम देखेंगे इसको चार्ट के ऊपर और चेक करेंगे कि क्या इसका टेक्निकल पैरामीटर के थ्रू व्यू हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विथ डेली चार्ट ऑफ इंफोसिस। ये स्पॉट प्राइस चार्ट है जहाँ पे हमको एक बड़ा कैंडल यहाँ पे नीचे के साइड ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये, और हम देख सकते हैं करीबन 17% डाउन चल रहा है आज के दिन। तो लेट्स सी, ट्रेंड चेक करते हैं एक बार। तो इंफोसिस का ट्रेंड हायर बॉटम एक अपसाइड रहा है, और हमको पिछले काफी टाइम से करीबन जून जुलाई मंथ से इंफोसिस एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहा था। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सपोर्ट लाइन। तो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट था यहाँ पे, जो यहाँ पे ब्रेकआउट बना था ये वाला जो लेवल्स है दो, ये वन एंड टू आई विल मार्क आउट, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था हमको, और वन टू थ्री एंड फोर करीबन चार बार ये सपोर्ट टेस्ट होने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको ये पूरा मतलब फ्राइडे क्लोजिंग था यहाँ पे और आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ से। सो एक बहुत ही बड़ा ये वाला एक गैप देखने को मिल रहा है इस काउंटर के अंदर डेली चार्ट। न्यूज़ है इसके अंदर जो भी है, बट एक बड़ा गैप डाउन, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो पिछले 4 times से होल्ड कर रहा था, जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स थे वो यहाँ पे हमको ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं विद गैप डाउन। सो ये अच्छा साइन नहीं है ये काउंटर के लिए फॉर शॉर्ट टर्म श्योर। एंड अभी देखते हैं कि नीचे में क्या अभी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक दिख रहा है दिसंबर 2018 का, वहाँ पे अभी स्टॉक प्राइस हमको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और इम्पोर्टेंट जो स्विंग है वो दूसरा यहाँ पे दिख रहा है 500 मिलियन करीबन 600 के पास ये वाला जो लेवल है आई विल मार्क आउट, करीबन 600 का इसका एक सपोर्ट आने वाले दिन में हो सकता है। तो ये था डेली चार्ट का एनालिसिस। नाउ वी विल सी इसका वीकली चार्ट टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमको जैसे कि इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 20 डेज की, वो प्रीवियस वीक में ब्रेक होते हुए दिख रही थी और आज हमको नीचे की साइड गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, और RSI ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो 40 एक बेरिश सिग्नल इसको बोलेंगे, और अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। अभी पूरा वीक बाकी है, ये फर्स्ट डे है वीक, तो अभी भी वॉल्यूम तो और बिल्डअप हो सकता है। सो सेम वे में वही जो एक लेवल है प्रीवियस 600 के करीब हमको वो स्विंग का जो सपोर्ट दिख रहा है
तो अभी 640 के रेंज में इंफोसिस ट्रेड कर रहा है और 600 का एक इसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है एक सपोर्ट का। और हम देखते हैं इसका मंथली चार्ट पे एक बार चेक करते हैं जो कि होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए, तो वहाँ पे हम रेशियोज यूज कर लेते हैं फिबोनाची का, तो उससे भी आइडिया आ जाएगा कि कहाँ सपोर्ट होगा। तो एग्जैक्टली जैसे कि बताया जो प्रीवियस स्विंग जो है 600 के करीब, वहीं पे करीबन 590 के रेंज में 600-590 10 पॉइंट का एक रेंज है जो कि उसका 61% का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्लब हो रहा है दो तरीके से। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन 600 का इन्फोसिस के अंदर रह सकता है। सो हमने अलग अलग टाइम फ्रेम से चेक किया और मंथली चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते। सो हम वेट करेंगे इन्फोसिस के अंदर 600 के लेवल 590 600 के बीच में ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है वो हम पहले चेक करेंगे जब ये स्टॉक उस लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो तब तक के लिए ये स्टॉक को हम क्लियरली एक अवॉइड करेंगे, इसके अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज अभी भी सपोर्ट थोड़ा नीचे है और जो वॉल्यूम आज बिल्टअप हुआ है एक दिन के अंदर, ये डेली चार्ट किया है मैंने, वो बहुत ही ज्यादा है जो प्रीवियस पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल के अंदर तो वो देखने को नहीं मिला वैसा वॉल्यूम जो आज के दिन में दिखा। तो डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दिख रहा है और प्राइस में बहुत बड़ा डैमेज दिख रहा है सिंगल डे में करीबन 17%। सो इसका मतलब क्लियरली है कि शॉर्ट सेलिंग हुआ है, काफी स्टॉक्स में सेलिंग बहुत ही ज्यादा हुआ है। सो अभी कोई मतलब नहीं बनता आपको यहाँ से सीधा स्टॉक 15% 17% गिरा तो बाय कर लीजिए बाउंस बैक के लिए, नहीं, क्योंकि हमने लेवल्स भी देखे हैं। इम्पोर्टेंट लेवल है अभी 600-590 का जो कि पहले स्टॉक को टेस्ट करने चाहिए, फिर हम इसका अलग से व्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसमें क्या कर सकते। अभी इम्पोर्टेंट है अभी रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा इसका आने वाला, तो हमको यहाँ पे ये एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पे भी है, ये गैप है यहाँ पे, इसको मार्क कर देता हूं। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट जोन है ये गैप, उसके भी नीचे ही ओपन हुआ है आज। तो आने वाले टाइम में ये जो जोन है ये करीबन 700-710 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा अगर कोई बाउंस बैक होता है इस काउंटर में। सो शॉर्ट सेलिंग के लिए भी अभी वेट करना चाहिए बाउंस बैक के लिए, और अगर आप इन्वेस्टर हो शॉर्ट टर्म के लिए आप कैश इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फिर भी आप वेट कीजिए 600-590 के लेवल के लिए। सो टेक्निकली ये हमने देखा जो कि काफी बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल्स इंफोसिस ने ब्रेक किए हुए है और बहुत ही अपने जो अप ट्रेंडेड स्टॉक था काफी टाइम से उसमें हमको कहीं पे पॉज एक ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है। सो अभी वेट करेंगे, इसके अंदर कोई भी बाइंग नहीं करेंगे और जो लेवल्स मैंने आपको बताए उसका आप ध्यान रखिए और फिर उसका रिव्यू कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस का व्यू आपको पसंद आया है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।